विजय ग्रोवर, आपका असेसमेंट क्या है, क्योंकि आपने तो पूरा चुनाव देखा है और आप कर्नाटक की राजनीति को दशकों से देख रहे हैं। आपको लगता है हंग असेंबली का बिल्कुल न के बराबर चांस है और इस बार निर्णायक आएगा, किसी के भी पक्ष में आए फैसला? मानक, शायद जब से एस एम कृष्णा मुख्यमंत्री बने थे 1999, तब से लेके अब तक का मैं कहूंगा कि ये शायद सबसे रोचक चुनाव इसलिए है क्योंकि इस बार जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच की टक्कर है वो लिंगायत वर्सेस वोकलिगा या लिंगायत वर्सेस अदर कम्युनिटी की नहीं है। इस बार कहीं ना कहीं एक जो अंडरकरंट है वो दिख रहा है कि लिंगायत वोट कुछ हद तक बीजेपी के हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है और इसमें इसका एज, इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिखता हुआ मिल रहा है। तो ये नंबर्स हालांकि बेचैनी से लोग इंतजार कर रहे हैं कि हंग होगा या क्लियर मेजोरिटी होगी किसी भी एक दल की, लेकिन जो पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर लिंगायत वोट बैंक टूटता है तो शायद ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, न केवल इस चुनाव में, आगे वाले चुनाव में भी, क्योंकि जिस तरह से येदियुरप्पा ने एक पांव जमाने की जगह दी थी 2006 में बीजेपी को दक्षिण में, जिस तरह से शायद उन्होंने भी पूरी तरह से प्रचार में बढ़ चढ़ कर नहीं उन्होंने हिस्सा लिया, वो एक संकेत होगा, एक वार्निंग होगा कि बियॉन्ड लिंगायत जो एक एक्सपेरिमेंट बीजेपी करने की कोशिश कर रही थी वो किस हद तक कामयाब होता है। जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने पिछले एक साल में यहाँ पर की, जिस तरह से ओबीसी आउटरीच था या दलित आउटरीच था, तो इट्स बेसिक क्लासिकल स्टडी मैं कहना चाहूँगा सबके लिए देखने के लिए कि क्या बीजेपी जो लिंगायत डिपेंडेंस है उससे कम करके क्या वह फिर भी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। तो ये जो फैक्टर्स होंगे ये कर्नाटक की राजनीति को आने वाले दिनों में काफी हद तक प्रभावी करेंगे और 2024 में ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है क्योंकि यहाँ से काफी सीटें बीजेपी हमेशा जीतती आई है। तो अब एग्जिट पोल में अभी शायद कुछ एक आइडिया लग जाएगा क्योंकि जो साइंटिफिक एनालिसिस होता है वो शायद हमारे और आपके जो ओपिनियंस होते हैं उनसे बेहतर होता है, तो वी विल वेट फॉर दैट। लेकिन क्लियरली जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, जो एक ब्राह्मणिकल शिफ्ट हमने जो देखा बीजेपी में, वो एक बहुत बड़ा मेक और ब्रेक मोमेंट हो सकता है, जिस तरह से क्योंकि मैं ब्राह्मणिकल फैक्टर इसलिए यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये टिकट की जो फैसला हुआ था इसमें प्रहलाद जोशी और बीएल संतोष जैसी जो दिग्गज नेता है बीजेपी के, उनकी ओपिनियन ज़्यादा चली थी और अब ये उनके ऊपर है कि वह किस तरह से इनकी जीत को किस तरह से उन्होंने एनालाइज किया था। ठीक है, ओके। और वहीं जैसे हमने पहले भी आपसे कहा था उसके बाद एक और पॉइंट है, मैं उसके बाद